फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने डिस्को लाइट चालू किया था क्योंकि मुझे एक टेक लेना था ड्रेस चेंज होने के बाद। बाकी मैंने जो अंडे का केक देख रही थी और मुझे मिल गया, पता है ये सारे अंडे के हैं और ये देखो आपको ये फ्रूट केक मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ लेकिन दुकान में मिलता ही नहीं है। एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अलकायंस व्लॉग। सो गाइज आज देखो मैं जीरा का पानी पी रही हूँ हमेशा की तरह। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा है, मैं आपको अभी दिखा देख सकती हूँ। मस्त एकदम ऐसा लग रहा बारिश आने वाला, हवा चल रही है मस्त, वेदर काफ़ी अच्छा, ऐसा लग रहा हवा चल रहा है, देख रहे हो ऐसा लग रहा बारिश होगा। तो मम्मी क्या लगता है बारिश होगा? हाँ बारिश बहुत जोर होगा। इधर आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और बारिश होने की शंका है। फटफट कड़वा वाला पी लिया जाए हमेशा की तरह। आप छुपके क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है मुझे ना नाक में कोई टेस्ट नहीं आ रहा सर्दी के कारण, इसलिए मैं फटफट पी जा रही हूँ। जा रही हूँ खाना लेने के लिए, खाना समझ लो क्योंकि नाश्ता का टाइम ही नहीं बचा क्योंकि 11 बज गया है और हम लोग भी जल्दी खाना खा ही लेते हैं। तो मम्मी ने आज बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया तो चलिए चलते हैं किचन में। इतने दिन बाद मैं आपको किचन में ले जा रही हूँ, मुझे पता है आप लोग किचन मिस करते हो। बहुत ही टेस्टी सा राइस बनाया जिसका नाम है, क्या नाम है मम्मी? शेजवान चावल। शेजवान चावल ओके। अमरस लेंगे? हाँ अमरस तो लेंगे बिल्कुल। तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है, देखो मम्मी इसको गर्म कर रही है। बाकी थोड़ा यहाँ भी पड़ा है, इसने मम्मी ने आलू डाला, आलू टेस्टी सा ठंडा ठंडा अमरस। हम ठंडा नहीं पियेंगे, आपको पता था ना मम्मी खांसी हो जाएगा यार। ऐसा थोड़ी मम्मी यार, तबीयत खराब है यार। अमरस नुकसान नहीं करता। ये तो दिखाया आपको शेजवान राइस, मिर्ची दे दो थोड़ा सा। देखो इतना टेस्टी सा मिर्ची बनाया मम्मी ने लंबा लंबा। बाकी आलू की सब्जी भी है यहाँ, बाकी फलका भी मम्मी ने बनाएगी मुझे, पर मैं फलका आज नहीं खाऊंगी, आज मैं सिर्फ राइस से काम चलाने वाली हूँ। गाइज आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, लेकिन गाइज एक सैड न्यूज भी हमारे साथ है कि हमारे कोलकाता में के सर आए थे सिंगिंग करने के लिए। बाकी जहाँ पे वो सिंगिंग कर रहे थे वहाँ पे 3000 क्राउड अलाउ था लेकिन 7000 क्राउड आ गए, सफोकेशन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी उनको और उनकी डेथ हो गई है। तो रेस्ट इन पीस हम बोलेंगे। और हमारे जो सिद्धू सर है उनकी भी हत्या हो गई है। तो गाइज ये सब जो हो रहा है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब इंसान कैसे चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो जो है आपके लाइफ में आप उनका ध्यान रखो, आप लोग भी अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। इतनी गर्मी थी ना मैंने सोचा चलो नहा लेते, तो मैं नहा ली हूँ। तेज गर्मी थी बहुत जोर, एसी चालू करो। सुन लिया, मैं तो नहा ली हूँ, बाकी मम्मी को एसी चाहिए। मम्मी एसी के बिना आजकल बैठती नहीं है, आदत लग गई मम्मी को एसी का। देख रहे हो सुन रहे हो, खुद के लिए तो बहुत शॉपिंग कर लिया लेकिन घर के लिए शॉपिंग करना अभी बचा है। तो घर में कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेके आना, तो क्या क्या लेके आना बताओ? चना चूर, भुजिया, बिस्किट। हाँ बिस्किट, बिस्किट, मटर कॉर्न, मटर कॉर्न, बहुत सामान। और कुछ लाना है? बस यही पांच चीज लाना ना। नहीं और भी देख के लेके आना। देख रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ और जाऊंगी थोड़ा घर का शॉपिंग करने के लिए। तो व्लॉग को ऐसे बंद कर दो तुम। ओह पहनूंगी ये प्यारी से पिंक टॉप जो कि बहुत ही गजब की है, देखो। चलो पहन लेते फिर मिलते हैं। गाइस देखिए मेरा बाल, देखिए इसका बाल अभी बहुत छोटा था, बड़ा हो गया। बहुत दिन बाद एक्सटेंशन मैंने लगाया है और आज हम जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने आपके साथ। ये मॉल जा रही है शॉपिंग करने के लिए, इतना गर्मी है। और आप जुड़ा कर लो, स्पेशल लेके आना है क्या? जुड़ा कर लो, आपके लिए कुछ स्पेशल। आज का ड्रेसअप कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, देखो मैंने एकदम मस्त सा आज ड्रेसअप किया, कुछ डिफरेंट आप लोगों को पसंद आएगा। वो हम दिलाए थे वो है क्या? बिल्कुल पिंक कलर अच्छा है, बिल्कुल लड़के लिए ज्यादा पिंक अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है मम्मी? देखो छुट्टी कर ले ऐसे। देखिए पिंक रबड़, पिंक टॉप, सब कुछ पिंक पिंक। अब इसका पिंक मेकअप करेंगे? नहीं मेकअप क्या करें, हो गया ज्यादा मस्त लग रहा है। वी यू फाइनली रेडी जाने के लिए शॉपिंग करने के लिए। मास्क का जमाना चला गया, हमें कोरोना गया। ठीक है लगा दो, एक काम करूँ, कोई बात नहीं लगा के जाती हूँ। बाकी गॉगल्स वगैरह भी पहन लूंगी, ले लिया मैंने पिंक का, लगा ये लगाया है और आपको फुल लुक दिखाती हूँ, फटाफट निकलती हूँ। शूज पहनूंगी इसमें ब्लैक चलेगा नहीं इसीलिए। पैदल वॉक करके बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। देखो ये वही
कई जगह है जहाँ पे ब्रिज टूट रहा था हमारे कोलकाता में, आपको याद होगा कोलकाता में ब्रिज गिर गया था, बहुत लोग मरे थे, ये वही जगह है। तो बाकी और पूरे जगह से ब्रिज टूट रहे हैं क्योंकि ये ब्रिज रहना सही नहीं था इसीलिए। बाकी धूप तो देख रहा हूँ, रास्ता बंद होने के कारण मुझे वॉक करके जाना पड़ रहा है। मैंने ले लिया है बड़ा सारा ट्रॉली क्योंकि मुझे पता है सामान काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो साबुन मैंने देखा, वैसे डिफरेंट डिफरेंट लेते रहती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा चलो डव ले लिया जाए। बाकी यहाँ पे वाइप्स लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मैं मेकअप करती हूँ, मेकअप उतारने के लिए वाइप्स सबसे ईजी रहता है। आप फेस वॉश ना करो तो भी चल जाता है क्या। तो मैंने ऑरेंज फ्लेवर लिया है, बाकी कॉर्न और मटर मम्मी का फेवरेट ले ही लिया है। सो गाइस गर्मी बहुत है तो गर्मी कूल ले लिया जाए ताकि ठंडे हो जाएंगे। थोड़ा सा सामान लिया, अभी और लेना है। चलो घूम घूम नैन्सी नैन्सी गिफ्ट करने का सोच रही हूँ, वो ट्रॉली लेके जो डांस होती है ना वो वाली, भी तो ट्रॉली भी हाथ पे है क्या। तो गाइस ये दो डब्बा ले रही हूँ, मम्मी कह रही थी ना लेने के लिए, देखो इस बार मैंने बड़ा ही लिया है, अब मम्मी नहीं चलाएगी। ये लोग चुप ही नहीं हो रहे, पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, गाना नहीं चला रहे वही काफ़ी है, थैंक यू। ऑप्शंस बहुत सारे हो तो समझ नहीं आता क्या लूँ क्या नहीं। बाकी यहाँ पे अंधेरा भी है, मैं काली लगने लगी। भगवान जी भी है, ये देखो कनेल डिजाइन वाली घड़ी भी है, घड़ी तो हमारे घर पे है। प्यारी सी बारबी डॉल है जो छोटी सी है, ये काफ़ी क्यूट है। गेम्स वगैरह है, कोई मच्छर मारने वाली, मारने वाली तो बनता है क्योंकि हमारे घर पे काफ़ी मच्छर वच्छर आते हैं, उसको ऐसे चिपकाऊंगी एकदम धम से पड़ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे लेज़ है 20 के नहीं है, 10 के नहीं है, 5 के नहीं है, सीधा 50 के है, वो भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, कितनी बड़ी है। येलो वाली बाकी मैं ग्रीन लूँगी और रेड कलर का लूँगी, ब्लू यहाँ पे है, एक ब्लू भी ले लेते हैं क्या, रेड ले लेते हैं। लेज़ तो बनता है क्या। मैंने एक टमाटो कैचअप लिया, मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही है कैचअप नहीं है। ऐसे मम्मी एक एक करके याद दिला रही है मुझे फ़ोन कर करके, जब मैं पूछी तो मुझे पांच ही चीज़ बताई थी, अभी फ़ोन करके याद दिला रही, बेटा ये ले आना, बेटा वो ले आना। सो गाइस आई एम टेकिंग दिस सूप क्योंकि रेडीमेड बन जाता है और ये थिक भी होगी काफ़ी, ऐसा इसमें लिखा है, बट हम बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे। वेलकम, देखा उन मुझे मैं आई हूँ ना, इसलिए थोड़ा तारीफ कर रहा था मेरा, कोई नहीं ये भी ले ही लेते हैं क्या, ये सब मजाक की बात है, माइंड मत लीजिए। सो गाइस मैंने सोया सॉस ले लिया क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को चाउमीन खिलाऊँ बना के, तो मैं अपने हाथ से चाउमीन बनाऊंगी और आपको जरूर खिलाऊंगी। ले लिया है सोया सॉस, देख रहे भी है यहाँ पे, चलो चिली सॉस ले लेते हैं क्योंकि तीखा काफ़ी पसंद आता है आप लोगों को, तो मैं थोड़ा तीखा डाल ही दूंगी खाने में। और ये क्या होगा, इस यहाँ पे पिज्ज़ा एंड पास्ता सॉस भी मुझे दिख गया, वो भी ले लेते हैं क्योंकि हम पास्ता और पिज़्ज़ा तो कुछ दिन बनाने वाले हैं आपके साथ। गाइस मुझे प्याज का अचार चाहिए था लेकिन मैं लेमन का अचार ले रही हूँ, बाकी मैंने इनको बुलाया कि आओ मेरा हेल्प कर दो, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग बिजी है तो लोग नहीं आ रहे हैं। गाइस फाइन, दो फ्लेवर की जैम है तो मैं रेड वाली जैम ले रही हूँ क्योंकि मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर उतना अच्छा नहीं लगता जैम का, ब्रेड में लगाएंगे, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे एकदम लाइट वाला। अब इतना लेके कौन जाएगा मैं वही सोच रही हूँ। तो गाइस मैं मूंग दाल भी ले ले रही हूँ क्योंकि मुझे मूंग दाल काफ़ी पसंद है और मम्मी को भी काफ़ी पसंद है। तो गाइस ये पूरा भर चुका है, देखो अभी और भरना बाकी है क्योंकि मुझे बिस्किट्स लेनी है अभी, बिस्किट। तो गाइस खाने के बाद पेट पछता नहीं तो आज मोला तो बनता है। तो यहाँ के फ्लेवर है देखो, ये वाली फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी निकाला, अनारदाना फ्लेवर है, बाकी कोको कोला फ्लेवर भी है, चाट कोला सोच मैं लेने वाली हूँ, और ये वाला भी है ग्रीन वाला, मैं लूँगी येल्लो वाला क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है, तीखा भी रहता है और टेस्टी भी रहता है क्या। तो गाइस बिस्किट्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इतना सारा चीज़ देख के, तो मैंने एक टाइम पास ले लेती हूँ। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है क्या, मस्का चटका और नीचे गिर गया, कोई देख नहीं रहा है।
रख देती हूँ। देखिए मस्कत ये पापा को काफी अच्छी लगती है चाय के साथ, पर ये चूरा चूरा हुआ है, दूसरा देख के लेते हैं। मैं दूसरा रस ले आई, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा फेवरेट सेक्शन आ चुका है, वो है पास्ता का, तो हम लेंगे पास्ता। तो यहाँ पे सो गाइस मैं एक टोमेटो पास्ता ले रही हूँ, एक नहीं दो लूंगी मैं, मुझे बहुत पसंद है ये पास्ता। बाकी मैं ये व्हाइट वाली भी लेना चाहती हूँ, व्हाइट सॉस का। और कौन सी फ्लेवर है यहाँ पे नई जो निकली है, ये तो सब नहीं भाता है मुझे। और भी है यहाँ पे बहुत सारी चीज है, ये मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी का फेवरेट है लिटिल हार्ट, मम्मी को काफी ज्यादा पसंद आती है, तो ये भी डाल लेते हैं। अब हमारा जो ये है वो पूरा भर चुका है, देखो। और क्या लूँ, बस काफी है इतना। ये सबसे ज्यादा टेस्टी मुझे लगता है, इसका नाम है चटपटा मसाला सनफिस्ट। ये देखो ऑल राउंडर, ये काफी टेस्टी लगता है खाने में, तो ये लेना बनता है। काजू वाली बिस्किट तो बनती है, लेनी क्या हो गया। गाइस ये कोकोनट मेरे पापा को काफी पसंद है, पापा चाय में डुबा डुबा के खा ही लेते, तो कोकोनट भी ले लेते हैं। मैगी, अब हम घुस चुके हैं मैगी की दुनिया में। देखो पूरा मैगी मैगी है, येलो येलो यिप्पी दिखेगा, मैगी दिखेगा, हर तरफ आपको नूडल्स ही नूडल्स दिखेगा यहाँ पे। अंडा वाला नहीं है ना ये। सो गाइज मैं ले रही हूँ ये वाली मैगी, बाकी बड़ी वाली भी है लेकिन अब मेरे पास जगह नहीं बचा, मैं ये छोटी वाली लूंगी, नेक्स्ट टाइम बड़ी वाली लेके जाऊंगी। बिना अंडा का केक देख रही थी और मुझे मिल गया, पता है ये सारे अंडे के हैं। और ये देखो आपको ये फ्रूट केक मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ लेकिन दुकान में मिलता ही नहीं है वेज वाला, तो आज मुझे वेज केक दिख गया है, तो मैं ये फ्रूट केक लूँगी। और चॉकलेट केक मुझे नहीं पसंद है, ऑरेंज केक है लेकिन वो नॉन वेज है। और कोई सी वेज केक है, चलो देख लेते हैं। वेज नॉन वेजेस है यहाँ पे, ये वेज है पूरी, ये 75 में मिल रहा है। फ्रेंच फ्राइज नहीं चाहिए मुझे, चीज बॉल चाहिए। हाँ ये वाला चीज बॉल है, पोटैटो चीज बॉल जिसमें कॉर्न रहता है ना, कॉर्न वाला भी है, कॉर्न वाली चाहिए मुझे। हाँ ये चीज कॉर्न वाली चाहिए, पनीर की है ये, पनीर वाली है। हाँ, पनीर वाली है, पनीर नगेट्स। और ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये मोमो है मैम। मोमो कैसे बनेगा ये, ये वाला आपको गर्म करना पड़ेगा स्टीम। इसका स्माइली, तो गाइस मर्केंस का स्माइली है यार, वो भी है। चलो ये बहुत बड़ी पैकेट है, छोटी पैकेट है इसकी। इसका ये ले लेंगे, ब्लॉक चीज ले रही हूँ एक, तो बाद में बड़ा लूंगी क्योंकि खराब हो जाती है फिर। मटर ले लिया जाए, ये मौसम्बी है, केला है, और ये क्या है, अनार है, मैं बोलना भूल गई। ये है आपका अमरूद जिसमें पूरा मच्छर भिन भिना रहा है, बहुत मच्छर हो गया है यहाँ पे। खीरा है मुझे, ये आम पापड़ा लेना बनता है। लेना था हमारे घर पे चाट मसाला खत्म हो गया था, बाकी और भी पाव भाजी मसाला है, सब्जी मसाला है, छोले मसाला है, बहुत सारा मीट मसाला भी है, मुझे नहीं पसंद है। चीनी भी है, चावल भी है, ये देखो। बाकी एक तो ऐसा बना हुआ है उसके नीचे सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, देखो तरह तरह के ग्लास भी, ये देखो ये देखो। सो गाइस अभी फाइनली बिलिंग का टाइम है, इतना सारा सामान ले लिया। मैंने कैब कर लिया और अभी मैं कैब में, इतना सा सामान था तो ऑटो ऑटो में ले जा नहीं पाती, बाकी कैब कर लिया। सोच रही हूँ नीचे घर में, घर के नीचे ना मेरे लेबर अंकल और रहते हैं, उनको बोलूँगी ऊपर चढ़ा देने के लिए, क्योंकि छह तल्ला मैं तो नहीं ले जा पाऊँगी। मम्मी को क्या ही बुलाऊँगी, नीचे से किसी को बोलूँगी ऊपर पहुँचा देने। अंकल मिल गए ढूंढने के लिए, थैंक गॉड छह तल्ला चढ़ा देंगे ये, वरना मैं जाइए मुझे छह तल्ला पहुँचा रहे।
थैंक यू, नहीं चढ़ पाती इतना लेकर। थक चुके हैं, रुक जा पानी देते हैं हम, रुक जाइए पहले पानी देना। छह तल्ला में चढ़ गए तो देखे कोई भी हाफ जाता है, हाफ भी हाफ गए अंकल। कहते ना मम्मी उनको, मैम बोले भैया आप करवा दो, चावल भी चढ़ावा भीज गया आप मम्मी। दस मिनट बाद आते थे, तल्ला चढ़ने के लिए कोई राजी नहीं होता, लेकिन कभी कभी भले लोग मिल ही जाते हैं। भगवान मेरे लिए कोई ना कोई भेज ही देते हैं, पता है भगवान, क्योंकि मैं इतना दूर से ला नहीं पाती, क्योंकि हमारे घर के साइड से रास्ता बंद है, तो मुझे पूरा वहां उतार गया, मेरे घर इधर है और इतना दूर तक मुझे उतार दिया कैब वाले भैया। अभी क्या करते, आने मिलता नहीं, तो कैब वाले भैया ने मेरे को, मतलब एक भैया को करवा दिया और वो इतना सारा सामान लेकर आ गए हैं। नहीं लाते तो मैं नहीं लाता, मैंने भैया से बाहर ही रखवा दिया, बहुत थक गए थे भैया, पानी उन्होंने पिया नहीं, कह रहे थे कि गर्मी से अगर पानी पियेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। थक गई, डन। और गाइज ये मच्छर मारने के लिए मेरे रूम में काफी सही रहेगा, क्योंकि मेरे रूम में ना मच्छर वच्छर आते ही रहता है, तो ये इलेक्ट्रिक वाला है, इसे क्लिक करके टिक टैक आवाज आएगा, इसमें करंट रहता है, इसको टच नहीं करना रहता जब इसको चालू करते हैं। बाकी मैं पास्ता लेके आई हूँ मम्मी के लिए, मेरा बैग है, बाकी अभी ग्लूकॉन डी पीने की जरूरत है, तो मैं सोच रही हूँ ग्लूकॉन डी भी आ गए हैं। देखो पापा भी कुछ ना कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आए पापा, क्या ये, ओ माय गॉड लीची है, मैं लाने का सोच रही थी लेकिन इतना सामान था ना तो नहीं ला पाई, इतना सा लीची पापा लेके आए, दिल खुश हो गया गाइस। अच्छे होते ना, मतलब दिल का बात जान लेते हैं क्या, ये थोड़ा सा खराब आ गया, बाकी ये खाते हो। बहुत टेस्टी, मीठा भी। पापा बैठ गए, मम्मी फेंक दो उसको जल्दी से। कितना में लेके आया, 60 रुपए किलो, 95 रुपए किलो। और हम कितने में लाते हैं, 100 रुपया। तो एक बात बताओ, अभी शायद बारिश का मौसम हो जाता ना इसलिए आपको सस्ता मिल गया, पत्ता वाला नहीं खाती है, बिगड़ पत्ते वाला है वो, बिगड़ पत्ते वाला सस्ता मिलता है क्या, 60 रुपए। ओ वाह, तो मॉल से ले आए, देखो सामान भर भर के लेके आइए, बर्फ का सिल्ला साथ में ठंडा पानी और मम्मी सिल्ला सिल्ला, पसीना से भर गया मम्मी आप तो, बाकी मम्मी बना रही एकदम मस्त सा ग्लूकॉन डी। ओह इतना में मेरा नहीं होगा, हम अपना बना लेंगे, पापा के लिए दे दो ना। मम्मी एक ठंडा पानी घुटमा भी, अभी बोलेगी खांसी आ रहा है। वाह मम्मी वाह, एकदम ग्लूकॉन डी वाला फ्लेवर, एकदम टेस्ट अच्छा आएगा। है ना नींबू पानी, सब खोल के देखो तो, बैठो सामने बैठो। प्लेट ले आ मम्मी, कभी प्लेट काम आता है ना कभी कभार, देखो छोटा प्लेट, मकेन है और एक चीज बॉल भी लेके आया, मकेन स्माइल स्माइल वाला जो नहीं होता है आप खाना, कल कल देंगे उसको, ठीक है आपके लिए। बाकी ये डब्बा है मम्मी, ग्लूकॉन डी डब्बा में डाल दो, ऐसे मत रखो। मटर लिया तो बड़ा वाला खुश है तो, हाँ मूंग दाल, मम्मी को मूंग दाल अच्छा लगता है, ये भी वही तलने वाला है, ये सब फ्रिज में जाएगा बड़ा वाला। मम्मी के चेहरे पे हंसी देखो, तलने का है, तलने का ये बस, और निकाल रहे क्योंकि पापा से पैकेट फट नहीं रहा है, बोल रहे हो कैची लेके आएगा पापा, पास्ता वास्ता है पापा, ये भी फ्रीज में रखना पड़ता है। हाँ एक किलो ले आए तो एक बार में ही ले आए पापा, खत्म हो जाता है। हाँ भुजिया जल्द सबको लगता है क्या, ये आपका देखो फेवरेट, हाँ खा लो अभी आप चाय, अरे ठंडा है पी लो ना, क्या हो गया पी लो, वो तो खत्म हो गया आपका, ये भी पी लो, ऑरेंज जूस जैसे ही है, एक सिकंदी पी लिया अभी, ऑरेंज जूस पी लो पापा। मसाला फ्रीज में सुना कि ये जो डब्बा है बड़ा वाला, इसमें ना मैं ये ग्लूकॉन डी डाल देती हूँ, क्योंकि मम्मी इसको ऐसे खोलती है, इसे पैक करती है तो इसे ऐसे निकालती है, तो इसमें डाल लूं कॉन्डी जो है, इसमें भर दिया है पूरे डब्बे को, एकदम खाली कर दिया है देखो। बाकी इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ, अब चम्मच भी डाल देती हूँ इसमें, क्या इसका चम्मच है, ये घुस जा ना हमारा ग्लूकॉन्डी का डब्बा, इससे बेटर लग रहा है क्या, और इसे मैं ऐसे यहाँ रख दूँगी, यहीं पड़ा रहता है।
सामान को जचाना है, देख रहे हो। चलो जचा लेते हैं, करके मम्मी थक जाएंगी। काफी टेस्टी एंड क्रीमी है, ऊपर से चीज चीज डाला हुआ है। बाकी मम्मी और मैं अभी खाएंगे। पापा खा रहे लीची, इसी में खा रहे क्योंकि पापा इसमें छिलके फेंक दे रहे। क्या पापा, मम्मी को देखो ये नया वाला प्लेट ले आई है, कह रही इसमें ले लो। अच्छा लगा तो? बहुत अच्छा लगा। सही में पास्ता बहुत टेस्ट, लाइट जल रहा है, साथ ही में आज बारिश आ गया है, थैंक गॉड। बहुत तेज गर्मी थी और हवा चल ही नहीं रही थी, फिर भी बारिश आ गया है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, और बिजली भी कड़क रहा है, और यहाँ से प्लेन भी जा रहा है। भगवान करे प्लेन अच्छे से जाए। आवाज आ रहा होगा आपको, हाँ मम्मी बारिश आने लग गया। क्या चाय पी गया तुम? हम चाय बिस्किट खाएंगे क्योंकि आज हम वो कोकोनट का बिस्किट लाए, वो खाने का मन कर। कहीं मेरे फोन पे गिर गया तो भरोसा नहीं है ना। हाँ ये देखो एकदम मस्त बूंद बूंद हो के पूरा छत भर जाए। मैं चाहती हूँ बहुत तेज बारिश आए ताकि रात को आराम की नींद आ पाए। लाइट का कमाल ही कुछ अलग है, मतलब पूरा अच्छा, मतलब क्वालिटी आ रही है इस लाइट से। बनाओ आज मैं कम चीनी का चाय पीती हूँ, तभी जब मुझे बिस्किट खाना रहता है मैं ऐसे डुबा के बिस्किट खा लेती, चाय छोड़ देती हूँ। बाकी बारिश आ रहा तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और एक गाना याद आ रहा है, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। आ रहे हैं पापा को, आप लोग बोलते हो कि पापा गंजी नहीं पहनते क्योंकि गर्मी पापा को काफी लगता है, सिर्फ पापा हाफ पैंट पे घूमते रहते हैं। बाकी पापा खाना में खा रहे दाल चावल साथ में। आज आमरस नहीं था क्या पापा? नहीं सहमा वहाँ बैठा है, इसने अपना अमरूद अभी तक कंप्लीट नहीं किया। मस्ती गर्मा गर्म चाय साथ में बिस्किट, क्योंकि बारिश आ गई है, खाना खाने का मन। यार बारिश में तो गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट खाया जाता है, ना कि खाना। आज खाने में क्या बनाया देखते हैं, ये बहुत गर्म है खाना आज बन नहीं है। बाप रे बहुत गर्म है। बाकी चाय दे रही हूँ मुझे तो मम्मी, मिर्ची की सब्जी है, आलू की सब्जी है, परवल की सब्जी है। ये क्या है इतना गर्म? दाल तभी बहुत गर्म है, राइस है, बाकी चाय रेडी है। मैं तो लेके चली। इतनी तो मिलती जाए, इतनी लगे थोड़ी। क्या स्वाद है, इतने दिन बाद मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ। बाकी बिस्किट कुछ ज्यादा ही मीठा नहीं हो गया, पहले ठीक था। सोचू ना कि अभी मैं बैठी थी तो मैं सोची चलो रील्स बना लेते हैं, बाकी शॉर्ट्स भी मैं बहुत दिन से नहीं डाल रही हूँ, शॉर्ट्स भी कुछ अमेजिंग अमेजिंग बनाएंगे। तो मैं रिंग लाइट मिली है, बाकी इसकी स्टैंड ये नहीं है, ये वाओ थैंक यू मम्मी खोजी। तो ये स्टैंड जो है वो इसकी है, देख रहे हो ये वाली इसकी स्टैंड है, और इसकी अलग है। मेरे पास दो रिंग लाइट है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, मुझे दोनों काम आता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चलो इसको पहले सेटअप कर लेते हैं, फिर हम होंगे रेडी। देखिए लाइट लगा रही है, अपने घर में बहुत मेहनत करती है, बहुत वीडियो बनाती है, जब देखो जब वीडियो बनाती रहती है। टिकटॉक के टाइम का हालत बता दो। टिकटॉक में बाबा रे कुछ मत, खाना पीना सब छोड़ दी थी अपना करियर पर, मेरा करियर पे खाली अपना ध्यान देती थी, सबसे छुपा के मैं सबसे छुपा के बनाती थी। ये तो है, और देते रहेंगे जब तक है, देते रहेंगे तुम्हारे साथ। देखो हमारा लाइट लग गया, बाकी अब इसकी लाइट चालू करके दिखाओ। अभी हमको रेडी होना होगा, मेकअप करना होगा। तुम रात भर यही कर रही है? मेहनत करना पड़ेगा मम्मी, इंस्टा मेरा डाउन जा रहा है, वीडियो डाल नहीं रहे, तबीयत खराब था ना। मेहनत करेगी तभी बेटा आगे जाएगी। ऐसा मम्मी मेरे पढ़ाई के टाइम भी नहीं बोली होगी, मेहनत करेगी तो आगे जाएगी। वीडियो के टाइम में बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी को पता है वीडियो में आगे जाऊंगी, इसीलिए मम्मी ऐसा कह रही। क्या मम्मी? हाँ बेटा ये देखो अच्छा है मेरा। रिंग लाइट से फेस की क्वालिटी कुछ अलग लगती, देख रही हूँ कितना फेस चमक रहा है, ये देखो। तो अभी मैं रेडी वेडी हूँगी तो और अच्छा लगेगा। तो आज मैं एक ट्रांजेक्शन वीडियो भी बनाने वाली हूँ, वो मैं शॉर्ट्स पे भी डालूंगी, और बताती हूँ आगे। मैंने ऐसे रिंग लाइट लगा लिया है, मैंने मुँह अच्छे से धो लिया क्योंकि मुँह में होने वाला है बहुत सारा मेकअप, क्योंकि अब बनेगी। यही पहन के मैं ग्रोसरी का सामान लेने गई थी, बाकी रील्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो यही पहन के रील्स वगैरह भी बना लेते क्योंकि व्लॉग कल अपलोड होगा। हो गई हूँ रेडी, और मैंने डिस्को लाइट चालू किया था क्योंकि मुझे एक टेक लेना था ड्रेस चेंज होने के बाद। बाकी मैंने जो वेयर किया आउटफिट आपने देखा ही था, और कितना प्यारा लग रहा है यार लॉन्ग हेयर। अब मुझे लग रहा है कि मुझे हेयर एक्सटेंशन तो करा ही लेना चाहिए, बट हेयर एक्सटेंशन का बहुत कॉस्ट लगता है यार,
लेकिन एक दिन मैं जरूर कराऊंगी। अमेजिंग अमेजिंग रील्स बनाया जो कि मैं शॉर्ट में भी डालूंगी, बट शॉर्ट में कभी कभार नहीं डाल पाती हूँ, गाना नहीं रहता तो कॉपीराइट लग जाता है। तो एक काम करना, आप लोग नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, लिंक पे क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंच जाओगे। और ऐसे मेरे इंस्टाग्राम का नाम है अलका अग्रवाल _ डालना, उसके बाद ऑफिशियल लिखना, अलका अग्रवाल ऑफिशियल लिखोगे तो इंस्टाग्राम आ जाएगा। बाकी इतना करने के बाद, मेहनत वहनत करने के बाद मुझे लगने लगी है भूख, तो मैं खा रही हूँ चिप्स और कर रही हूँ एडिटिंग। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चल गया है कि आप लोगों को ये जानना है कि ये जो पिंक टॉप मैंने पहना था वो मैंने कहाँ से लिया। तो मैंने शॉर्ट्स पे व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट बना लिया है, और मैंने बताया कि मैंने ये पिंक टॉप कहाँ से लिया है। तो जल्दी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर मेरा शॉर्ट्स चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा मैंने टॉप कहाँ से लिया था। एंड आज मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया, आप लोग बहुत खुश होंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करके ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, एंड लॉट्स ऑफ लव। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो वीडियो, अगर आपका कोई ग्रुप हो फैमिली का तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो।